बैक टू माय चैनल दैट्स दट बीटर्स गर्मी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द रेसिडेंट मोनीटर्स यहाँ पे हम देखेंगे ये मोनीटर्स क्या होते हैं इनके कुछ पार्ट्स uh, के बारे में देखेंगे और उनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक रेसिडेंट मोनीटर्स होते क्या हैं देखो ये सिंपली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूज़ किया जाता था बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स में अर्ली कंप्यूटर्स में नाइनटीन या नाइनटीन की बात है ज़्यादातर अगर इस कोड की हम बात करेंगे ना तो ये बैर मशीन्स पे यूज़ किया जाता है तो अगर मैं बात ये बेयर मशीन क्या होती है ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली लॉजिक हार्डवेयर पे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्यादा रोल नहीं होता है तो जो ये हमारा रेसिडेंट मोनिटर्स बनाया गया है तो स्पेशली ये कोड किसके लिए बनाया गया है उन्हीं सिस्टम्स के लिए उन्हीं मशीन के लिए जो कि बेयर हैं ठीक है है तो monitors काम करता है जैसे जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है और जितने भी नेसेसरी फंक्शन हैं वो सारा कौन परफॉर्म करता है रेजिडेंट मोनिटर्स खुद क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली लॉजिक हार्डवेयर पर होती हैं विदाउट द विदाउट इंटरवेंशिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये क्या करता है अ जॉब सिक्वेंसर भी काम करता है क्योंकि ये जॉब्स को सीक्वेंस में लाता है और फिर उसको सेंड करता है प्रोसेस में मतलब ये बहुत सारे जॉब्स में से कुछ ऑर्डर सेलेक्ट करता है और फिर उसको नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल करवाता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए ये भी काम किसका है रेसिडेंट मोनिटर्स का तो जब शेड्यूलिंग हो गई शेड्यूलिंग के बाद जॉब रेसिडेंट्स क्या करेगा लोड करेगा इन प्रोग्राम्स को एक एक करके मेन मेमोरी में उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है रेसिडेंट मोनीटर्स के बारे में जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब होती है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग में कोई भी गैप नहीं होती है क्यों क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम क्या हो गया एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोसेसिंग में ज्यादा देर नहीं लगती और बहुत ही फास्ट इसकी प्रोसेसिंग होती है है अब शेड्यूलिंग की अगर बात करेंगे तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग एक अलग टॉपिक है ये हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अनदर लेक्चर में तो चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रेसिडेंट मोनिटर्स को पहला पार्ट है दैट्स आवर कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है लोडर है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर है इंटरप्रेट प्रोसेसिंग है अब हम देखते हैं थोड़ा सा uh, ये जो uh, ये जो चार पार्ट्स हैं इसके तो इन पार्ट्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये पार्ट्स कौन से हैं और ये आ, क्या काम करते हैं ठीक है तो कौन से चार पार्ट्स हैं सी एल आई जिसको हम कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी बोलते हैं लोडर एंड डिवाइस ड्राइवर इंटरप्रेट प्रोसेसिंग तो ये इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया है कि ये देखो कौन कौन से पार्ट्स है और कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है जैसे जॉब सिक्वेंसर लैंग दैट इज द कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है डिवाइस ड्राइवर्स है इंटरप्रेट प्रोसेसिंगस है तो यूजर प्रोग्राम एरिया ये आपको थोड़ा सा फिगर में मैंने आपको बताया है। पहला पार्ट जो है, CLI, ये सबसे पहला पार्ट है इसका, आपका और फिर इन इंस्ट्रक्शंस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाता है फॉर दियर एग्जीक्यूशन बेसिकली इसका काम यही है टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ठीक है बेसिक काम पहले पार्ट का तो सेकंड पार्ट हमारा आ गया तो रिसेंट मोनीटर्स का जो या आर एम मैं बात करूंगी दैट इज द रिसेंट मोनीटर्स जो सेकंड पार्ट इसका है दैट इज कॉल्ड एज अ लोडर ये इसका मेन पार्ट है ठीक है तो इसकी बेसिकली काम क्या है ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या कोई भी चीज़ सिस्टम की है ये उसको लोड करेगा किसमें आपकी मेन मेमोरी में दैट मीन्स लोडिंग का काम किसका हो गया सिंपल लोडर का लोडर से नाम ही पता चलता है लोडिंग अभी क्या लोड करेगा जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या कोई भी नेसेसरी सिस्टम्स है तो उसको मैन में भी में लोड करेगा थर्ड हमारे पास पार्ट इसका जो आता है दैट्स अनदर एन इम्पोर्टेंट पार्ट दैट्स कॉल्ड एज डिवाइस ड्राइवर ठीक है ये यूज होता है टू कनेक्ट यूर आयो डिज टू द दिस्टम आयो डिवाइसेज कौन से हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइस को यह सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है और सेकेंड इंपॉर्टेंट ये यूजर और सिस्टम के बिटवीन एक्ट करता है एज अ इंटरफेस ये इसका सेकंड काम है किसका डिवाइस ड्राइवर का ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसका कंपोनेंट थर्ड क्या है ये काम करता है इंटरफेस बिट्वीन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट आती है और जो यहाँ से रेस्पॉन्स जाएगी वो क्योंकि रिक्वेस्ट यूजर करता है और सिस्टम उसको रेस्पॉन्ड करेगा तो रिक्वेस्ट जो आपका यूजर आ, कर रहा है वो डिवाइस ड्राइवर उसको रिस्पॉन्ड करता है और फिर उसको देखता है कि आपके सिस्टम के पास उसका आंसर है, है तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके वो रिस्पॉन्स किसको देगा आपके यूजर को फोर्थ पार्ट इज द इंटरेप्ट प्रोसेसिंग फोर्थ पार्ट इंटरेप्ट प्रोसेसिंग है और इंपॉर्टेंट है ये हैंडल करता है इंटरेप्ट को इंटरप्ट क्या होती हैं ये सिंपली हम बात करेंगे एक सिग्नल है या ये एक ऐसा uh, ये सस्पेंड सस्पेंडेड प्रोग्राम है या ये भी कह सकते हैं जब इंटरप्ट आ गई तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका काम इन, आपकी जो फंक्शन इंटरेप्ट आपका जो काम चल रहा है उसको टेम्परली क्या करना पड़ता है टर्मिनेट